वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो पेपर कटिंग में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, तो बेसिकली क्या किया जाता है, पेपर को फोल्ड किया जाता है और लास्ट में वो 3-4 बार फोल्ड करने के बाद कुछ कट्स लगाते हैं और उसके बाद आपसे वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो भाई इसको अगर हम पूरा खोल दें तो फिर नया जो पेपर बनेगा, मतलब कट्स के लगने के बाद जो पेपर खुल के नए डिजाइन उसमें बनेंगे तो वो कैसे दिखेंगे। तो इन सवालों को करने के लिए 3 स्टेप जो इस सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे कैसे इन सवालों को अप्रोच करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आइए ये सीखते हैं थ्योरी में कि हमें इन क्वेश्चन में करना क्या होगा, ठीक है। वो अगर हमने सीख लिया तो आंसर तो हमारा चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि इन फिगर्स में हम करते क्या है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो लास्ट एलिमेंट जो होता है आपको दे रखा होता है, लास्ट फोल्डिंग जो आपको दे रखी होती है, आपको अभी ये नहीं सोचना है कि पेपर फोल्ड कैसे हुआ है वो अभी ध्यान में नहीं रखना है। पहले हमें ये देखना है कि लास्ट फोल्डिंग कैसे की गई है, ठीक है। तो जो लास्ट फोल्डिंग है, ये जो लास्ट फोल्डिंग है वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, स्टेप वन में इन फोल्डिंग्स को देखोगे और इसके हिसाब से आप यहां पर लाइंस ड्रॉ कर लो। लाइंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जो ऑप्शंस दे रखा है आपको उसके हिसाब से आप लाइंस ड्रॉ कर लो। हमने इस लाइन को ये जो पूरा बन रहा है इनको हमने पूरा यहां पे उतार दिया ये गोले के साथ, ठीक है। तो आप जब देखिएगा ये वाला जो पार्ट है जो मैं यहां पर ड्रॉ कर रखा है, ये वाला जो पार्ट है ये सारे ऑप्शंस में आपके सेम ही आने चाहिए। अगर एक भी ऑप्शन में ये वाला पार्ट अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले ऑप्शन में क्या है, ये ट्राइंगल है और एक गोला बना हुआ है यहां पर। तो ये एक ट्राइंगल है यहां पर और इसमें एक गोला बना हुआ है, तो ये तो आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। उसी तरह इस ऑप्शन को देखें तो ये एक ट्राइंगल है और यहां पे एक गोला बना हुआ है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन जब आप यहां पे देखोगे तो ये वाले पार्ट में क्या है, यहां पे एक एक्स्ट्रा गोला बना हुआ है। तो ये तो हमने यहां पे कट लगाया नहीं है, हमने इस पोर्शन में यहां पे तो कट लगाया नहीं है, तो इसका मतलब यहां तो गोला आएगा नहीं, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो कट्स है यहां पे एक्स्ट्रा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ये दो ऑप्शन जो आपके यहां पे बच गए, इस केस में ये जो 2 ऑप्शन आपके यहां पे बच गए वो वहां पे भी नहीं बचेंगे, इनमें से कोई एक कैंसिल हो जाता और आपका आंसर आ जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने बेसिकली सीखा क्या, अभी हमने इस प्रोसेस में बेसिकली यही सीखा कि कैसे सिर्फ लास्ट एलिमेंट को देख के, लास्ट फोल्डिंग को देख के हमें अपना आंसर कैसे लेके आना है। लास्ट फोल्डिंग और उसमें जो कट्स लगे हैं उसको देख के हम अपना आंसर कैसे लेके आ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर यहां पे एक फिगर और ऐसा हो जाता जो कि एलिमिनेट हो जाता तो आपको फोल्डिंग खोलने बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जब हम सवाल करेंगे तो इस मेथड से एक सवाल मैंने इसमें डाल रखा है इस लेक्चर में, तो हम देखेंगे कि कितने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया पहला तरीका कि आपको करना क्या होगा, ठीक है। पहला तरीका आप क्या करोगे, आप लास्ट वाला फोल्डिंग देखोगे, वहां पे कहां पे कट्स लगे हैं वो देखोगे और वही चीज आप सारे ऑप्शंस में ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप अपना ऑप्शन एलिमिनेट करोगे और अपना आंसर लेके आओगे। तो ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि अब इस केस में क्या हुआ था कि दो ऑप्शंस मेरे पास पड़े रह गए। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहला स्टेप में तो हमने देख लिया, इसके हिसाब से ट्रायंगल को हमने सब में देख लिया कि कहां पे कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है, उन दोनों ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे तो ये वाली लाइन जो आपको दे रखी होगी जिसके हिसाब से लास्ट में जो फोल्डिंग हुई होगी, इस लाइन पे पहले पेपर कैसा था, पेपर जो आपका दे रखा था कुछ ऐसा बना हुआ था और इस पेपर को यहां से फोल्ड किया गया था, मतलब इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया होगा,
इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया होगा। तो पहला स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पेपर को इस लाइन के अबाउट खोलने की कोशिश करते हैं। और वो खुलता कैसे है फ्रेंड्स, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट इस फिगर का यहां पे मिरर इमेज बन जाता है। इस लाइन के अबाउट जिस फोल्डिंग के, जो भी लाइन होगी फोल्डिंग की, उसके अबाउट हम उसका मिरर इमेज बनाएंगे। तो अगर इस फोटो का अगर हम मिरर इमेज बनाए, इस फोटो का अगर हम मिरर इमेज बनाए इस लाइन के अबाउट, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। दूर वाला दूर में, पास वाला पास में, हमने मिरर इमेज में ये बेसिकली पूरे डिटेल में डिस्कस रखा है दोस्तों। अगर आपको यहां पे मिरर इमेज नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाएं और मिरर इमेज का पूरा लेक्चर देखें, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, दूर का दूर और पास का पास। और फोल्डिंग, जो फोल्डिंग है हमें खोलने कैसी है, जिस लाइन के अबाउट फोल्डिंग दी गई होगी, उस लाइन के अबाउट हम इस फोल्डिंग को खोलेंगे और इस लाइन के अबाउट ही मिरर इमेज बनेगा। तो इस केस में इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनेगा, ये जो इमेज दे रखा है कुछ ऐसा, तो जो मिरर इमेज बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पे कुछ दे रखा है तो इसका मिरर इमेज कैसा आ जाएगा, इस लाइन के अबाउट, जिस लाइन के अबाउट फोल्डिंग होगी उसी लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनेगा। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल होता तो हॉरिजॉन्टल के अबाउट मिरर इमेज बनता, अगर ये लाइन वर्टिकल होती तो वर्टिकल के अबाउट मिरर इमेज बनती। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम इसका मिरर इमेज बनाए, इसको अगर हम खोल लें, इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो ये वाला जो बिंदु है, ये दूर में है लाइन के, तो इस लाइन से ये भी इतने ही दूर पे आएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा मिरर इमेज इसका बनेगा। अब इसका मिरर इमेज हमने बना लिया, अब फिर से ऑप्शन चेक करते हैं। दो ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी इलिमिनेट कर रखा था, इन दोनों में से देखते हैं। तो इन दोनों में से अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये। तो बिना पूरा इमेज खोले हुए, पूरा पेपर को खोले हुए हमने अपना आंसर लेके आ गया। तो ये होता है सेकंड मेथड। पहला मेथड तो हमने क्या देखा, कि आपको जो भी इमेज दे रखा हो आपको लास्ट फोल्डिंग देखनी है। तो जो लास्ट फोल्डिंग आपने देखी होगी वो आपके ऑप्शंस में प्रेजेंट होना ही चाहिए फ्रेंड्स। अगर वो आपके ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। तो एक एलिमेंट को देख के आप कैसे अपना आंसर ला सकते हैं वो हमने अभी सीखा। दूसरा, जो बेसिक थ्योरी होती है उसकी, वो हमने सीखा। वो क्या सीखा, इसके ये करने के बाद अगर आपका आंसर नहीं आ रहा होता है तो आप क्या करते हो, जिस लाइन के अबाउट फोल्ड की गई होती है, जिस लाइन के अबाउट ये पेपर फोल्ड किया गया होता है, उस लाइन के अबाउट उस पेपर को, फर्स्ट फोल्ड को हम खोलते हैं, और उस लाइन के अबाउट जब हम फर्स्ट फोल्ड को खोलते हैं तो क्या बनता है, इमेज कैसा बनता है, वो उसका मिरर इमेज बनता है। किसके अबाउट, उस फोल्ड के अबाउट, जिस लाइन के अबाउट फोल्डिंग की गई होगी उसी फोल्डिंग के अलॉन्ग इसका मिरर इमेज बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको और भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसके भी थ्रू समझेंगे। तो ये तो दूसरा स्टेप हो गया जो आप फॉलो करोगे अपना आंसर आने में। और तीसरा स्टेप फाइनली क्या होगा फ्रेंड्स, यहां तो हमने दो स्टेप में अपना आंसर लेके आ गया फ्रेंड्स। तीसरा स्टेप क्या होगा, अगर इससे भी आपका आंसर नहीं आ रहा होता तो आप क्या करते हैं, लास्ट फोल्डिंग खोलते और आपका अपना आंसर लेके आते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने डिटेल में यहां पे देख लिया कि आप स्टेप क्या क्या फॉलो करोगे। पहला स्टेप था कि आपको जो भी कट्स दे रखा हो, लास्ट वाला कट्स जो दे रखा हो, वो आपके चारों ऑप्शंस में प्रेजेंट होने चाहिए। जिस ऑप्शंस में वो प्रेजेंट नहीं होगा वो ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में वो लास्ट वाला फोल्डिंग प्रेजेंट नहीं होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। और मैक्सिमम टाइम्स दोस्तों, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है ना कि 90% केस में आपका आंसर वहीं आ जाता है। जैसे ही आप लास्ट फोल्डिंग को कंपेयर करते हो अपने ऑप्शंस में, आपका मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपका आंसर वहीं आ जाता है। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे। अगले स्टेप में क्या बोला था मेरे दोस्तों, कि जिस लाइन के अबाउट ये फोल्ड होती है, उस लाइन के अबाउट ही हम इसका फोटो बना देते हैं या फिर मिरर इमेज बना देते हैं। इस लाइन के अबाउट ये लास्ट में फोल्ड हुई थी, तो इस लाइन के अबाउट जब ये खुलेगी, देखिए इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया था। अब जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो इसका जो मिरर इमेज कैसा बनेगा, इस लाइन के अबाउट बनेगा फ्रेंड्स। इस लाइन के अबाउट, आप ये बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहीं पे लोग गलती करते हैं कि मिरर इमेज बनाए तो कौन से लाइन के अबाउट बनाए। तो जिस लाइन के अबाउट फोल्डिंग होगी उसी लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और
इससे भी ये सेकंड स्टेप में भी अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो थर्ड स्टेप क्या होता है दोस्तों, जो लास्ट आपको एलिमेंट फोल्डिंग दे रखी होती है उसका फिर हमें मिरर इमेज बनाना होता है। तो इस केस में अगर हमारा आंसर ना आया होता तो हम ये जो फाइनली ये जो दो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे बने थे, दो एलिमेंट्स हमें बने थे, तो फाइनली हम इनका मिरर इमेज बनाते, इनका मिरर इमेज हम फिर क्या बनाते, इस लाइन के अबाउट। क्यों बनाते इस लाइन के अबाउट? क्योंकि जो फोल्डिंग दी गई है, जो फोल्डिंग दी गई है वो इस लाइन के अबाउट दी गई है। तो इस लाइन के अबाउट अगर हम इसका मिरर इमेज बनाए तो ये वाला लाइन के नजदीक है तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, ये भी लाइन नजदीक है तो ये भी यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमें बेसिकली फ्रेंड्स टाइम बचाना है, तीनों स्टेप बाय स्टेप में जाना है। इन तीन स्टेप्स में पहला स्टेप में आंसर आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया गो टू सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में अगर आंसर आ गया वेल एंड गुड हमारा टाइम बचेगा, और अगर उसमें भी नहीं आया तो गो टू थर्ड स्टेप। तो ये तीन स्टेप प्रोसेस होता है फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने का, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने सीखा उसके बेसिस पे। तो पहला सवाल आपको दे रखा है, पहला सवाल आपको क्या दे रखा है कि पेपर को हमने पहले ऐसे फोल्ड किया, इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया, और पेपर को फिर हमने ऐसे फोल्ड किया, इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, और ये जो पेपर फाइनल हमारा बन गया, ये जो हमारा एक बार पेपर बन गया उसको हमने इस लाइन के अबाउट इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इस पेपर को वापस से ऐसे फोल्ड कर दिया। पहले पेपर कुछ ऐसा था, पहले पेपर कुछ ऐसा था, उसे हमने आधा फोल्ड किया और फिर नीचे से आधा फोल्ड किया, और यहां पे एक हमने डॉट बना दिया, तो यहां पे हमने एक डॉट बना दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लाएं, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लाएं, तो वही तीन स्टेप प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। आपका किसी भी स्टेप में आंसर आ जाएगा दोस्तों, आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर चुटकियों में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, स्टेप वन का प्रोसेस क्या था कि हम तो भैया लास्ट वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट कैसा है, ये मान लीजिए आपका पूरा पेपर है, ये आपका मान लीजिए पूरा पेपर है, ठीक है, ये आपका पूरा पेपर है, और लास्ट एलिमेंट आपको कैसा दे रखा है, यहां पे कुछ डॉट दे रखा है, मैंने ये बोला। लास्ट फोल्डिंग कैसी है आपकी फ्रेंड्स, अगर सिर्फ इसको देखें, लास्ट फोल्डिंग कैसी है, ऐसी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्टेप वन में आप देखो कि ये वाला एलिमेंट, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट हमने यहां बना दिया, ये पेपर में कहां कहां दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, यहां पे, तो यहां पे तो डॉट प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसी तरह जब हम इसको देखें, जब हम इसको देखें तो ये कुछ इस टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का एलिमेंट बन रहा है, और इसको अगर देखें तो ये भी कुछ इस टाइप का एलिमेंट बन रहा है। तो इस एलिमेंट में क्या है, ये जो डॉट है, इस एलिमेंट में डॉट क्या है, सेंटर में है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डॉट कहां दे रखा है, कोने में दे रखा है, सेंटर में नहीं है, यहां होता तब ये ऑप्शन होता, अगर ये डॉट यहां पे होता तभी ये ऑप्शन होता, वरना ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में जो डॉट दे रखा है वो क्या दे रखा है, कोने में दे रखा है, ये सेंटर में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद लास्ट अगर हम देखें, तो लास्ट अगर हम देखें, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये तो बन नहीं रहा, क्योंकि यहां पे डॉट्स कहां होनी चाहिए थे, यहां होनी चाहिए थे, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो हो गया पूरा, एक स्टेप वन को करते ही हमारा आंसर आ जा रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैक्सिमम, मैंने बोला है ना मैक्सिमम टाइम क्या होगा ना, 90% केसेस में स्टेप वन को करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट एलिमेंट पहचानना है, लास्ट एलिमेंट को पहचान के जिस टाइप से ये फोल्डिंग फाइनली फोल्डिंग की गई है उसमें ड्रॉ करना है, और देख लेना है कि जहां पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है, जहां पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे फिगर्स में प्रेजेंट होने चाहिए, जिस ऑप्शन में वो प्रेजेंट नहीं होगा आपका आंसर वो गलत हो जाएगा, जिस ऑप्शन में वो प्रेजेंट नहीं होगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बेसिक मेथड से देख लेते हैं, बेसिक मेथड से देख लेते हैं, मान लीजिए ये ऑप्शन आपको नहीं दे रखे होते तो आप कैसे बनाते। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला हम ये लास्ट एलिमेंट को देखा, तो लास्ट एलिमेंट जो है आपका, लास्ट एलिमेंट जो है आपका वो किस लाइन के अबाउट खुल रहा है, वो इस लाइन के अबाउट खुल रहा है। तो इस लाइन के अबाउट अगर खुल रहा है, इस लाइन के अबाउट अगर खुलेगा, हमने बंद कैसे किया था, कागज को पहले ऐसे बंद किया था और नीचे वाले पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को फिर उठा के ऐसे बंद कर दिया था। तो पहला पोर्शन जब खुलेगा तो किस लाइन के अबाउट खुलेगा, जो मैंने अभी ड्रॉ किया उस लाइन के अबाउट खुलेगा। तो इस लाइन के अबाउट अगर खुलेगा तो इसका अगर हम मिरर इमेज बनाए तो कैसा बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। इसका अगर हम मिरर इमेज बनाए तो एक स्क्वायर बनेगा, और ये डॉट कहां पे आ जाएगा, लाइन के नजदीक। हमने मिरर इमेज में ऑलरेडी मिरर इमेज बनाना सीख रखा है कि एक एलिमेंट अगर दे रखा होता है, यहां पे अगर मिरर लगा होता है तो उसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये भी बन जाएगा। तो वही हमने यहां अप्लाई किया। अब क्या है, अब पेपर कैसे खुल रहा है, ये पूरा पेपर बन गया, अब पेपर पूरा ऐसा खुल रहा है, तो मतलब इस लाइन के अबाउट पेपर खुलना है।
इस लाइन के अबाउट अगर पेपर खुलना है तो मिरर इमेज कैसा बनेगा इसका, इन दोनों डॉट्स का मिरर इमेज कैसा बनेगा इस लाइन के अबाउट, तो जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे यहां पे एक डॉट बनेगा, जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे यहां पे एक डॉट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या हम मैच कर सकते हैं, हमने जो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से जो आंसर लाया था क्या वही आंसर है? जी हाँ, वही आंसर है जो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आंसर लाया वही यहां पे आ रहा है। लेकिन इतना करने की जरूरत क्या थी दोस्तों, जब हम चुटकियों में स्टेप वन में ही आंसर ले आते तो इतनी करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका समय बहुत ही कीमती है फ्रेंड्स, आपका समय बहुत ही कीमती है। आप बहुत सारे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, आप बहुत सारे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको अपने आप ऑप्शंस में ही आंसर दिखने लगेंगे। और जैसा मैंने बताया, जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट फोल्ड को देख के ही आप आंसर प्रेडिक्ट करने लगोगे, भाई इसका ऑप्शन तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां का जो समय बचेगा आप दूसरे सेक्शंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स वैथ सॉल्व करने में यूज कर सकते हो, वहां पे आपके थोड़ा जब ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो आपके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका उससे मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, अभी हमने स्क्वायर वाला पेपर फोल्ड किया था। हमने इस लेक्चर में आपको अलग अलग टाइप्स के पेपर फोल्ड करके दिए हैं, जैसे अभी सर्कल है, कुछ देर में ट्रेपीजियम आएगा, ट्राइंगल आएगा, तो उन टाइप्स के पेपर को फोल्ड कैसे करते हैं और आंसर कैसे निकालते हैं वो हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। अभी जैसे सर्कुलर पेपर है, लेकिन मेथड फ्रेंड्स उतना वही रहेगा। आपको लास्ट एलिमेंट को देखना है, उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, अपना आंसर लेके आना है। दो ऑप्शन एक जैसे हो गए तो उस एलिमेंट को पहले एक फोल्ड खोलना है, फिर से ऑप्शंस चेक करना है और अपना आंसर लेके आना है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, फिर लास्ट फोल्ड खोलोगे या फिर उसके नेक्स्ट वाला फोल्ड खोलोगे और फिर देखोगे कि एलिमेंट क्या बन रहा है। ठीक है, तो चलिए उसी स्टेप को फिर से अप्लाई करते हैं। स्टेप वन क्या था हमारा, स्टेप वन क्या था कि सबसे पहले हमें जो एलिमेंट दे रखा है उसे आइडेंटिफाई करना। एलिमेंट कैसा है आपका, ऐसा दे रखा है। ठीक है, एलिमेंट जो है आपका ऐसा दे रखा है। और पेपर को कैसे फोल्ड करा है हमने, सर्कुलर पेपर है, पहले ये वाला फोल्ड किया, इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद जो आधा सर्कल बच गया, आधा जो पेपर बच गया उसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। उसको ऐसे फोल्ड करने के बाद जो जो आपका सेक्टर बचा, सेक्टर को हमने इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, इस लाइन के अबाउट ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये फाइनली कैसा बन गया, ऐसा बन गया, फाइनली कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब ये देखिए कि हमने क्या बोला था कि लास्ट का जो भी एलिमेंट दे रखा होगा आप उसमें पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स या फिर उसके अंदर का एलिमेंट देखिए कि ये वाला एलिमेंट जो अंदर इस टाइप से बना हुआ है ये कौन कौन से फिगर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी सेक्टर बनाए यहां पर, कोई भी सेक्टर बनाए, कोई भी सेक्टर बना दे यहां पे, ठीक है, कोई भी इस टाइप से अगर हम सेक्टर बनाए तो क्या आपको दिख रहा है, ये वाले सेक्टर में तो यहां पे सीधी लाइन खींची गई है। अगर इस सेक्टर को अगर हम देखें, ये वाला सेक्टर अगर हम देखें तो एक सीधी लाइन है और एक ये है, और ये आपका बाहर वाला सर्कल हो गया, ये वाला सर्कल हो गया, और ये वाला जो लाइन है ये तो सीधा लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो और यहां पे कैसा लाइन है, कर्व्ड लाइन है। यहां पे कैसा लाइन है, एक कर्व्ड लाइन है। तो चूंकि यहां पे स्ट्रेट लाइन है और यहां पे स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहां पे कर्व लाइन है, हमारे एलिमेंट में क्या आना चाहिए था, कर्व लाइन आना चाहिए था। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे जरा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसमें भी अगर आप देखोगे, इसमें भी अगर आप देखोगे, इस सेक्टर को अगर यहां पे बनाओगे, ये वाला जो सेक्टर अगर यहां पे हमने बनाया तो यहां पे कैसा सेक्टर बन रहा है, कुछ ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन है और ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको देखिए, इसको अगर हम बनाए, इसकी लाइन को अगर हम बनाए, अच्छे से बना लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, तो क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको यहां पे दिख रहा है कि कैसा, ये वाला सेक्टर को अगर हम यहां पे उठा लें, ये वाला सेक्टर अगर हम यहां फिर से उठा लें तो कैसा दिख रहा है, कैसा सेक्टर आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा आता हुआ, कुछ ऐसा जाता हुआ, ठीक है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो वैसा तो है नहीं ये एलिमेंट, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, आपका ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको चेक करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तीनों हमने चेक कर लिया, लेकिन यहां पे हम चूंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम लोग फोटो बना लेते हैं, फटाफट एलिमेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो गया। अगर हम ये वाला पार्ट उठाएं वापस से, अगर ये वाला पार्ट उठाएं तो क्या दिख रहा है, और ये सर्कल दिख रहा है, ये एलिमेंट यहां पे था, ये एलिमेंट जो हम खोज रहे थे वो इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको डिटेल तरीके से देखते हैं। तो आपके पास एलिमेंट कैसा था, कुछ ये था,
आपके पास एलिमेंट कैसा था? ऐसा था। ये जब खुल रहा था, ये जब अनफोल्डिंग हम जब इस एलिमेंट का कर रहे थे, तो किस लाइन के अबाउट कर रहे थे? इस लाइन के अबाउट कर रहे थे। तो इस लाइन के अबाउट अगर हम इसकी अनफोल्डिंग करें तो मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा, इसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा। तो इसका मिरर इमेज अगर इधर बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। तो मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट बनेगा। अब ये एलिमेंट, ये जो पूरा एलिमेंट बना, इसको जब खोलना है, इसकी फोल्डिंग किसके अबाउट खुलेगी? इसके अबाउट खुलेगी। क्यों खुल रही है? क्योंकि इसी सीक्वेंस में हमने फोल्ड किया। जिस सीक्वेंस में हम फोल्ड करते हैं, उसी सीक्वेंस में हम उसको, उसके रिवर्स सीक्वेंस में हम उसको खोलते हैं। जो लास्ट एलिमेंट होगा वो अपने पिछले वाले एलिमेंट जिसमें फोल्ड हुआ होगा उससे खुलेगा। तो ये वाला इसके अबाउट खुलेगा, ये वाला अगर इसके अबाउट खुलेगा, तो लाइन जिसके अबाउट आपको फोटो ड्रॉ करना है, जिसके अबाउट आपको मिरर इमेज ड्रॉ करना है, वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला लाइन हो जाएगा। और इस लाइन के अबाउट इसका अगर हम मिरर इमेज ड्रॉ करें तो कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और फाइनल फोल्डिंग जो हमने फर्स्ट फोल्डिंग जो की थी वो इस लाइन के अबाउट की थी। तो जब हम रिवर्स जा रहे हैं तो वो लास्ट फोल्डिंग वैसे खुलेगी। तो जब ये इमेज वापस से इस लाइन के अबाउट खुलेगा तो कैसा दिखेगा? इस लाइन के अबाउट जब ये इमेज खुलेगा तो कैसा दिखेगा? ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अंदर वाला सर्कल ऐसा कुछ बन जाएगा। तो हमने जो ऑप्शंस अपना लाया था, जो हमने ऑप्शन जो फाइनल आंसर अपना लाया था, कुछ ऐसा ही था। तो हम यहां तक पूरा अच्छे से हमने सारे स्टेप को फॉलो करके सीख लिया कि कैसे जो आपको एलिमेंट दे रखा होता है, लास्ट फोल्डिंग जो दे रखी होती है, उसके बेसिस पे अपना ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। वहां से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप स्टेप टू फॉलो करेंगे, एक फोल्ड खोल के अपना आंसर लेके आएंगे। उससे भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट फोल्ड खोलेंगे, उससे आप आंसर लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन स्टेप में बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि हमने जो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ले रखा है वो एक रेक्टेंगुलर पेपर था, उसके बाद फिर हमने सर्कुलर पेपर देखा, अब एक हम ट्रेपेजियम पेपर देखेंगे, जिसको हम जिस डायरेक्शन में दे रखा होगा उस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे और कट्स लगाएंगे और देखेंगे कि फाइनल पेपर खुलने के बाद जो हमने कट्स लगाए वो कैसा दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टेप बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे भी वही रहेगा। स्टेप वन क्या रहेगा? आपको लास्ट एलिमेंट को देखना होगा। तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है? ये वाला है। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है? ये वाला है। ये लास्ट वाला एलिमेंट है, ये लास्ट वाला एलिमेंट है। इसको अगर हम इन चारों पिक्चर्स में खोजें, इन चारों ऑप्शंस में खोजें, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। कुछ ऐसा मिलना चाहिए, कुछ ऐसा मिलना चाहिए। अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें, ठीक है, ये हो गया, ये इसकी लाइन हो गई, ठीक है। उसी तरह इस फिगर में ये लाइन हो जाएगी ट्रायंगल वाली, ये हो जाएगी इसकी लाइन। उसी तरह इस फिगर में ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली ये लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी और ये वाली लाइन कुछ ऐसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमने पहला ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये वाला एलिमेंट हमें चाहिए, ये वाला एलिमेंट हमें चाहिए, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो उस वाले एलिमेंट को अगर हम ड्रॉ करें, तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। उस वाले एलिमेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। इस वाले एलिमेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। और इस वाले एलिमेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पे तो आप फंस जाओगे। मैंने क्या बोला था कि इस वाले एलिमेंट को आपको यहाँ पे खोजना है, यहाँ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये चारों में ही कॉमन है। और अगर चारों में ही ये कॉमन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? आप नेक्स्ट स्टेप में जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसको खोलना। इसको ये किस डायरेक्शन में खुलेगा, इस किस डायरेक्शन में खुलेगा, ये हमें कहां से पता चलेगा? इस पिक्चर से पता चलेगा। हमने फोल्ड कैसे कर रखा है? हमने इस वाले एलिमेंट को नीचे ला रखा है, मतलब इस वाले को, इसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर रखा है। तो मतलब ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ है, तो खुलेगा कैसा? उल्टा खुलेगा। खुलेगा कैसा? ये ऊपर चला जाएगा। और ये अगर ऊपर चला जाएगा तो किस लाइन के अबाउट ऊपर जा रहा है? ये वाली लाइन के अबाउट ऊपर जा रहा है। अगर ये वाली लाइन के अबाउट ये अगर खुल रहा है तो मिरर इमेज किस लाइन के अबाउट बनेगा फ्रेंड्स? इस लाइन के अबाउट बनेगा। और उस लाइन के अबाउट अगर मिरर इमेज बन गया, इस पूरे पिक्चर का, इस वाले पिक्चर जो लास्ट में जो आपको दे रखा है, इस लाइन के अबाउट अगर इसका मिरर इमेज बन गया तो कैसा बनेगा? इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? कुछ यहां पे डॉट्स होंगे और कुछ यहां पे डॉट्स होंगे, ठीक है। अब उसको भी खोज लेते हैं फटाफट। तो इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये वाला तो कॉमन था चारों में। इस वाले को देखें,
इस वाले सेक्शंस को देखें तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें चाहिए कैसा था ऐसा, ये वाला सेक्शन कैसा होगा, ये वाला सेक्शन कैसा होगा फ्रेंड्स, कुछ ऐसा होगा, और नीचे वाला सेक्शन कैसा होगा फ्रेंड्स, कुछ ऐसा होगा, ऑलरेडी हमने वहां पे बना रखा है, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। लेकिन बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें, बाकी ऑप्शंस में ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब आप यहां पे देखिए, आपका सेकंड मेथड से भी, सेकंड स्टेप जो था उससे आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हम देखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या कर रखा है हमने, ऑलरेडी इतनी दूर तक इस इमेज को खोल रखा है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस इमेज को फिर से खोलेंगे। तो ये इमेज थर्ड शेप में कैसे खुलेगा, ये इमेज थर्ड शेप में कैसे खुलेगा, ये इस टाइप से खुलेगा, क्यों खुलेगा, क्योंकि इसकी फोल्डिंग जो हुई है ऐसे हुई है, इसकी फोल्डिंग कैसे हुई है, ऐसे हुई है, ये हम एरो से देख सकते हैं, इसकी फोल्डिंग अगर ऐसे हुई है तो ये खुलेगा कैसे, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा तो मिरर इमेज किस लाइन के अबाउट बनेगा, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनेगा, किनका मिरर इमेज बनेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनका मिरर इमेज बनेगा। और जब हम इनका मिरर इमेज बनाएंगे, इनका मिरर इमेज बनाएंगे इस लाइन के अबाउट, तो क्या बन जाएगा, ये वाला दूर में है, ये वाला दूर में आ जाएगा, ये वाला नजदीक में है, ये नजदीक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला नजदीक में है, ये नजदीक में आ जाएगा, और ये वाला दूर में है, ये वाला दूर में है, तो ये दूर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो कैसा बन रहा है फ्रेंड्स, ये वाला मिरर इमेज कैसा बन रहा है, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, और ये यहां पे, ठीक है। तो इसको भी पहले एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको भी एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो आप देखोगे कि चारों ही, तीनों ही ऑप्शंस में, ये तो एलिमिनेट हो चुका था, तीनों ही ऑप्शंस में ये चीज भी प्रेजेंट है। अब क्या करें, अगर ये तीनों ही ऑप्शंस में प्रेजेंट है तो अब क्या करें, अब क्या करेंगे, जो लास्ट दे रखा होगा, जो लास्ट चीज दे रखा होगा फोल्डिंग, उसके अबाउट अब हम उसको खोलेंगे। तो लास्ट में हमने ट्रेपेजियम का क्या किया था, ट्रेपेजियम अगर आपका ऐसा था, ट्रेपेजियम ऐसा आपका ऐसा था, तो फर्स्ट फोल्डिंग हमने ट्राइंगल को अंदर की तरफ की, इस ट्राइंगल को अंदर की तरफ की, तो लास्ट में क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल खुल जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो अंदर की तरफ आए थे, ये वाला ट्राइंगल अंदर में आया है, ये ट्राइंगल अंदर में आया है, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, ये और कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो अगर वो वैसा बन गया, अगर वो वैसा बन गया तो हमारा जो इमेज आएगा वो कैसा आएगा, हमारा इमेज आएगा वो कैसा आएगा, उसको हम लोग यहां पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हमने फोल्ड किया था, इस ट्रायंगल को हमने जो फोल्ड किया था, कुछ ऐसा फोल्डिंग था, और ये जो फोल्डिंग थी, ये वाली फोल्डिंग थी कुछ ऐसी फोल्डिंग थी, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, जो लास्ट में हमने देखा, वो किस लाइन के अबाउट खुलेगा, इधर वाला ट्राइंगल इस लाइन के अबाउट खुलेगा, और इधर वाला ट्राइंगल किस लाइन के अबाउट खुलेगा, इस लाइन के अबाउट खुलेगा। अगर हम इस ट्राइंगल को इस लाइन के अबाउट खोलते हैं, इस ट्राइंगल को इस लाइन के अबाउट खोलते हैं, तो इस ट्राइंगल का मिरर इमेज किधर बनेगा, इस लाइन का ट्राइंगल का मिरर इमेज कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, और ये कहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। उसी तरह इस ट्राइंगल को जब हम खोलेंगे तो इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये डॉट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब इस फिगर को हमको देखना है किस ऑप्शन में, इस फिगर को हमें देखना है कि किस ऑप्शन में, तो फाइनल आंसर हमारा कैसा आएगा, कुछ एक डॉट यहां होगा, एक डॉट यहां होगा, एक डॉट यहां होगा, एक डॉट यहां होगा, ठीक है। एक डॉट कहां होगा, यहां पे होगा, उसके बाद एक डॉट यहां होगा, एक डॉट यहां होगा, एक डॉट यहां होगा, और एक डॉट यहां होगा, और फाइनल एक डॉट यहां होगा और एक डॉट यहां होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे अगर हम इसको मिलाएं, यहां पे अगर हम इस फिगर को मिलाएं, तो ऑप्शन जो होगा आपका, ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे ये एलिमेंट नहीं आएगा, यहां पे ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा, और यहां पे ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, ये दोनों जो सर्कल हैं ये दोनों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी यहां पे बना के देख लिया कि यहां पे कोई डॉट नहीं आ रहा है, यहां पे कोई डॉट नहीं आ रहा है, यहां पे कोई डॉट नहीं आ रहा है, यहां पे कोई डॉट नहीं आ रहा है। तो यहां पे अगर कोई डॉट नहीं आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में फ्रेंड देखा कि कैसे ही आपका स्टेप वन ने काम नहीं किया, स्टेप टू भी काम नहीं किया,
और फाइनली हमने स्टेप 3 तक करना पड़ा, जब पूरा ही फिगर खुला तभी जाके हमारा आंसर आया, वरना हम आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है आपके पास, इसमें दे रखा है कि एक ट्रायंगुलर पेपर है। ट्रायंगुलर पेपर को पहले हमने कैसे फोल्ड किया, इस ट्रायंगुलर पेपर को हमने कैसे फोल्ड किया, इस वाले पार्ट से ट्रायंगुलर पेपर को पहले हमने ऐसे फोल्ड किया और उसके बाद इस वाले पार्ट से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया। पहले इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड कर दिया हमने और फिर इस वाले पार्ट को इस लाइन के अबाउट फाइनली फोल्ड कर दिया। तो मेरा जो बेसिक पॉइंट था पढ़ाने का वो क्या था कि आपको ये लास्ट एलिमेंट देखना है। लास्ट एलिमेंट कैसा है भाई, लास्ट एलिमेंट कैसा है, अगर हम ये पूरे ट्राइंगल को देख लें इधर पूरा ये वाला और ये वाला, और इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये उल्टे तरफ प्रेजेंट है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, और यहाँ पे जो ये एलिमेंट दे रखा है वो उल्टे डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए लास्ट एलिमेंट को देखते ही, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम ये देखते हैं कि इसको खोलने के बाद, इसको अगर हम एक फोल्ड खोलें, फोल्डिंग किसके अराउंड थी फ्रेंड्स, इस लाइन के अराउंड फोल्डिंग थी, लास्ट वाली फोल्डिंग तो खुलेगी भी इसी लाइन के अराउंड, तो जब इस लाइन के अराउंड इस फोल्डिंग को खुलेगी तो इसका क्या बनेगा, उधर मिरर इमेज बनेगा। तो इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा फ्रेंड्स, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, अगर ये लाइन आपको दे रखी है और यहाँ पे कुछ ऐसा बना है तो इसका मिरर इमेज अगर हम इधर बनाए तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, फिर आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट फोल्डिंग को खोलेंगे। लास्ट फोल्डिंग कौन से है, इस लाइन के अबाउट है, इस लाइन के अबाउट अगर हम फोल्डिंग को खोलें तो इसका क्या बनेगा मिरर इमेज, मतलब ये वाला जो पार्ट बन गया है वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे कहीं पे आ जाएगा, और यहां पे कुछ नहीं बनेगा, और यहां पे अगर कुछ नहीं बनेगा तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और सही आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को भी आप ऑलरेडी पिक्चर देख के एलिमिनेट कर सकते थे सेकेंड स्टेप में ही, क्योंकि सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था आपको क्या मिल गया था, कुछ ऐसा फिगर तो मिल ही गया था ना फ्रेंड्स। तो इसका जब भी मिरर इमेज बनता, तो यहां पे तो कोई कट्स प्रेजेंट था नहीं, तो यहां पे अगर कोई कट्स प्रेजेंट नहीं होता तो क्या ये आंसर आता, नहीं आता, क्योंकि यहां पे कोई कट्स ही प्रेजेंट नहीं है पहला फोल्ड खुलने के बाद, तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता, आपको फाइनल वो फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका आंसर क्या आ जाता, सी आ जाता, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल जो आपको दे रखा है, ये एक हेक्सागन है और हेक्सागन को फोल्ड कर रखा है। पहले हमने हेक्सागन को ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है, और ऐसे फोल्ड करने के बाद इस वाले पार्ट को हमने कैसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया और ये दो कट्स लगाए, या फिर ये दो फिगर्स, मतलब और ये दो होल्स किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने बेसिक स्ट्रेटजी पे जो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। क्या है ये एलिमेंट, देखो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हमने देख लिया, कैसा एलिमेंट है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा एलिमेंट है। और कुछ अगर ऐसा एलिमेंट है फ्रेंड्स, अगर हम सब पिक्चर्स को देखें, यहां पे जो ये दोनों डॉट्स हैं कैसे हैं, ऐसे हैं, और हमें चाहिए कैसे, ये वाले डॉट्स चाहिए, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमें चाहिए कैसे डॉट्स, ऐसे डॉट्स चाहिए जो कि लास्ट एलिमेंट में प्रेजेंट है, जो लास्ट फोल्डिंग है उसमें प्रेजेंट है। उसी तरह यहां देखें तो यहां तीन डॉट्स दे रखे हैं, लेकिन हमें लास्ट फोल्डिंग में कितने डॉट्स होने चाहिए, दो डॉट्स होने चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस वाले ऑप्शंस को देखें तो जो दो डॉट्स हैं वो ऐसे हैं, लेकिन हमें चाहिए कैसे वाले डॉट्स, ऐसे वाले डॉट्स चाहिए, ये लास्ट वाले एलिमेंट। हमने बस लास्ट एलिमेंट को देख के अपना आंसर ले आया, ये लास्ट एलिमेंट कौन सा है फ्रेंड्स, जो लास्ट फोल्डिंग दे रखी है, उसको देख के हमने अपना आंसर ले आया कि हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, पूरा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन करने के बाद, अगर मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन ही दे रखा हुआ था तो आप कैसे करते, तो लास्ट एलिमेंट कैसा था, कुछ ऐसा था, ठीक है, और डॉट्स यहां पे दे रखे थे, तो पहली फोल्डिंग किस लाइन के अबाउट खुलनी थी, इस लाइन के अबाउट खुलनी थी,
और इस लाइन के अबाउट अगर फोल्डिंग खुलेगी, इस लाइन के अबाउट अगर फोल्डिंग खुलेगी तो बनेगा क्या इनका मिरर इमेज, किस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, इन दोनों डॉट्स का मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये यहां बनेगा और ये यहां बन जाएगा, ठीक है। तो अगले फिगर में आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, कुछ ऐसा दिख जाएगा, सॉरी कुछ ऐसा दिख जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फोल्डिंग किस लाइन के अबाउट खुलेगी, इस लाइन के अबाउट खुलेगी, इस लाइन के अबाउट अगर नेक्स्ट फोल्डिंग खुलेगी तो इनका मिरर इमेज बनेगा, किस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, ठीक है। फोल्डिंग इस लाइन के अबाउट क्यों खुली, क्योंकि फर्स्ट फोल्डिंग हमने इस लाइन के अबाउट इसके अराउंड की थी, जो कि हम यहां पे देख सकते हैं। जिस स्टेप में फोल्डिंग होती है उसके रिवर्स स्टेप में हम जाते हैं फोल्डिंग को खोलने के लिए, ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर हम फाइनली खोलें तो डॉट्स कुछ ऐसे आ जाएंगे, डॉट्स, ये वाले डॉट्स कुछ ऐसे आ जाएंगे, और जो आपका ये बनेगा हेक्सागन बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, आपका जो हेक्सागन बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा, फाइनली अब जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि कैसे हमने स्टेप वन में भी आंसर लाया और फिर फाइनली देखा कि यार ऑप्शंस नहीं दे रखे, ऐसा तो एग्जाम में होता नहीं है फ्रेंड्स, बस आपके प्रैक्टिस करने के लिए और आपको चीजें पता होने के लिए हमने ये भी करके देख लिया कि हम बेसिक थ्योरी से पूरा हमें समझ में आया या नहीं आया, स्टेप वन टू थ्री सारे करके हमने यहाँ पे देख लिए कि हमारा आंसर जो हमने आंसर यहाँ निकाला था उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आपको शुरू में यही प्रोसेस फॉलो करना है फ्रेंड्स, शुरू में आपको जितने भी मैंने तीनों स्टेप बताए हैं आपको ऑप्शंस नहीं देखना है, आपको जो शुरू के जो क्वेश्चंस होंगे 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप बिना ऑप्शंस नहीं देखोगे और पूरा जो स्टेप समझाया है, स्टेप वन किस लाइन का अबाउट फोल्डिंग खुलेगी और उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, स्टेप टू दूसरी फोल्डिंग कैसे खुलेगी और फिर जो ऑलरेडी बन चुका है एलिमेंट उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, आप ऐसे कुछ करोगे। फिर जो नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप डायरेक्ट एलिमेंट देख के अपना आंसर ला सकते हो कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है फ्रेंड। तो बेसिक नहीं भूलना है कि बेसिक हमने कैसे किया है, ठीक है, बेसिक हमने कैसे सीखा है वो एकदम नहीं भूलना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, अगला सवाल आपको फाइनल इमेज दे रखा है, फाइनल इमेज दे रखा है और बताना है कि इसकी फोल्डिंग हुई कैसे होगी और हमने कट्स कैसे लगाए होंगे फ्रेंड्स। तो इस टाइप का सवाल आने लगा, अभी हमने जस्ट उल्टा देखा था कि इस टाइप का एलिमेंट्स अगर दे रखा होता है फाइनल कट्स में तो हमें बनाना होता होगा कि फाइनल इमेज कैसा दिखेगा। अब आपको फाइनल इमेज दे रखा है और बताना है कि कट्स कैसे लगे होंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या किया क्या था हमने, ये जो है, ये जो एलिमेंट है, जितने भी ऑप्शन है कुछ ऐसे वाले ऑप्शन है, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हैं कुछ ये वाले ऑप्शंस हैं। तो हमने ऑप्शंस को ही इस बार चार पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस बार हमने क्या किया ऑप्शंस को ही चार पार्ट में डिवाइड कर लिया और ऑप्शंस को डिवाइड करके हमने एलिमेंट्स को भी यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइड कर लिया, हमने ऑप्शन एलिमेंट को भी चार पार्ट में डिवाइड कर लिया जो क्वेश्चन पूछ रखा। अब आप देख के ही बता दोगे कि कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। क्या फ्रेंड्स ये हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। फ्रेंड्स क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो मिसिंग है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। अगर इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे चुटकियों में आप अपना आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसका भी आंसर हम चुटकियों में ही लेके आएंगे, पहले उसको लेके आ जाते हैं फिर बाकी चीज समझ लेंगे क्या कि रो क्या रहा था इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आप, हमने क्या बोला, लास्ट एलिमेंट को देखिए, ये जो लास्ट एलिमेंट है, ये जो लास्ट एलिमेंट है, एक तो वो पेपर के कोने से दूर है, पेपर से कोने से दूर का मतलब मान लो ये आपका पूरा पेपर है तो एलिमेंट आपका बना कहां रखा है, एलिमेंट पेपर से दूर बना रखा है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे बना रखा है। इस पार्ट को मैंने खाली यहाँ पे बनाया, पूरा ऐसा चमक जाइएगा, बस इस पार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। एक तो ये जो पेपर दे रखा है, बाहरी पेपर तो कुछ ऐसा है, जो ओरिजिनल पेपर है वो आपको कुछ ऐसा देखा और पेपर से दूर है और तीन एलिमेंट साथ में, तीन ट्राइंगल्स के कुछ ऐसा है, तीन ट्राइंगल्स का अगर इसको हम ऐसा कुछ कर दें जो कि यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसा है, ठीक है, साथ में, तीनों साथ में है और पेपर से दूर है, मतलब पेपर के एंड से दूर है, पेपर अगर यहां पे है कुछ ऐसा तो पेपर के एंड से कुछ स्पेस बन रहा है, कुछ स्पेस है जहां से ये शुरू होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंड कटिंग ऐसा दे रखा है तो पेपर जो अगर यहां से शुरू हो रहा है, पेपर अगर यहां से शुरू हो रहा है तो इसके पास में तो कुछ एलिमेंट्स नहीं बनेंगे, इसके पास में कोई भी एलिमेंट्स नहीं बनेगा। और इसके पास में अगर कोई एलिमेंट्स नहीं बनेगा फ्रेंड्स, तो आप यहां पे देखिए, यहां पे ये वाला एलिमेंट पेपर के जस्ट पास में है, यहां पे ये वाला एलिमेंट पेपर के जस्ट पास में है, यहां पे ये दोनों वाला एलिमेंट पेपर के जस्ट पास में है, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। और भी चीज इसको मिला लेते हैं, ये इस टाइप का एलिमेंट भी आना चाहिए था आपके आंसर में, इस टाइप का एलिमेंट आपके आंसर में आना चाहिए था, मतलब तीन साइमल्टेनियसली पहाड़ टाइप्स के कुछ ऐसे। यहां पे प्रेजेंट है क्या, यहां पे वो यहां पे प्रेजेंट है नहीं, यहां पे हो सकता है क्योंकि ये कुछ ऐसा 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 बन रहा है। यहां पे प्रेजेंट है क्या, यहां पे प्रेजेंट है नहीं, यहां पे प्रेजेंट है ही नहीं, ये तो स्क्वायर कुछ इस टाइप का बन रहा है भाई, कुछ इस टाइप का बन रहा है, ट्रायंगल तो बन रहे। और यहां पे देखें, यहां पे भी कुछ इस टाइप का बन रहा है, कुछ इस टाइप का बन रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डरना नहीं है, डरना नहीं है, बस देखना है कि लास्ट एलिमेंट क्या है। फ्रेंड्स मैक्सिमम जितने भी डिफिकल्ट सवाल होते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट एलिमेंट को देखते ही आपका आंसर आ जाता है कि भाई यही आंसर होगा, बाकी तो और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझ लेते हैं कि ये भी आंसर, इसको एक बार मैच कर लेते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं ना कि आखिर बन क्या रहा है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले करा दे रहा हूं ताकि आपको भी आसान लगे, नहीं यार चलो चुटकियों में ये बन जाएगा, बस सर को इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फिगर को अगर हम खोलें, इस फिगर को अगर हम खोलें, किस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला तो खुल गया, कुछ ये ट्रायंगल भी बन गया, तब तक ये ट्रायंगल अगर बन गया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहां पे बनाना है, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट अगर फोल्डिंग हुई है, इस लाइन के अबाउट फोल्डिंग हुई है, इस लाइन के अबाउट अगर फोल्डिंग हुई, तो इसका मिरर इमेज कहां बनेगा, इसका मिरर इमेज कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। मतलब ये अगर ऐसा है तो इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो पार्ट्स बने आपके, ये जो पार्ट्स बने डायमंड वाले, ये तीन डायमंड्स यहां आ जाएंगे, और लास्ट में जो लास्ट फोल्डिंग किसके अबाउट खुलेगी, इस लाइन के अबाउट, मतलब लास्ट फोल्डिंग जो खुलेगी इस लाइन के अबाउट खुलेगी, और इस लाइन के अबाउट जब फोल्डिंग खुलेगी तो यहां पे तीन डायमंड्स आ जाएंगे, यहां पे तीन डायमंड्स आ जाएंगे, और यहां पे तीन डायमंड्स आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे मिरर इमेज के भी कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर सी आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लेक्चर को एंड करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं, तो लास्ट जो सवाल है आपके पास वो ये दे रखा है। इस फिगर को अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है लास्ट एलिमेंट को, तो मैं आपको यहां पे आराम से बता देता हूं कि लास्ट एलिमेंट कैसा है दिखने में, ठीक है। तो लास्ट में हमने क्या किया है, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड किया है, इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया है। तो इस लाइन को फोल्ड करने के बाद जो आपका एलिमेंट बन रहा है, जो लास्ट एलिमेंट बन रहा है कुछ ऐसा है, जो लास्ट एलिमेंट आपका बन रहा है कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको फिर से एक बार बना लेते हैं, जो फिर से एक बार बना लेते हैं, जो लास्ट एलिमेंट है आपका कैसा है, ये और ये जो ये वाला। अब आपको ये बनाना है कि जब ये पेपर पूरा खुलेगा, मुड़ने का डायरेक्शन यहां पे दे रखा है, ठीक है, ये जब पेपर पूरा खुलेगा तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी यूज कीजिएगा, उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देख लीजिएगा, और दूसरा जो लॉन्ग प्रोसेस है, जो एक्चुअल प्रोसेस है, जो थ्योरेटिकल प्रोसेस है, वो जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको जितना भी मैंने यहां पे समझाया है कि किस लाइन के अबाउट आपको मिरर इमेज बनाना है, किस लाइन के अबाउट मिरर इमेज नहीं बनाना है, ठीक है, मिरर इमेज कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, ठीक है, वो सब भी आप जरूर यहां पे अप्लाई करें, ताकि इतना भी हमने यहां पे इस लेक्चर में सीखा है वो आपके अंदर चला जाए, और वहां पे जब बेसिक से अगर, मतलब अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर जब नहीं ला पाओ तो बेसिक से तो आपका आंसर आ ही जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पेपर कटिंग के सवाल वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनको हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, काफी सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, जो भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसे भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स हम आपको दे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।